नमस्कार, मैं हूं दिवांजलि मोइत्रा। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गिरोह की ओर से कई बार धमकियां मिल चुकी। जब से सलमान खान पर काला हिरण शिकार का मामला दर्ज हुआ है, तभी से एक्टर इस गिरोह के निशाने पर। हाल ही में सलमान के घर पर हुई गोलीबारी को लेकर हर कोई शॉक्ड था। परिवार हो या फैंस, हर कोई अब दबंग खान को लेकर चिंता में रहता है। इस घटना के बाद जहां भाई अरबाज और पिता सलीम ने एक बयान जारी किया था, तो वहीं अब सलमान खान के जीजा आयुष शर्मा ने इस घटना पर बात की। हाल ही में एक इंटरव्यू में आयुष ने कहा, हम उनका परिवार हैं और ये समय हम सबके लिए बहुत कठिन है। एक परिवार की तरह हम हमेशा एक दूसरे के लिए खड़े। मुझे लगता है कि इस पॉइंट पर ये सही नहीं होगा कि मैं इस बारे में कोई नया बयान दूं या फिर कमेंट करूं, क्योंकि एक बहुत ही गंभीर चीज है। मुंबई पुलिस बहुत ही बेहतरीन तरह से इस मामले पर काम कर रही है और इसकी अभी भी छानबीन चल रही। इस वक्त पर बस मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने हमारे परिवार को अपना प्यार और दुआएं दी। ये हमारे लिए मायने रखता है। आप सब जानते हैं कि अब सलमान खान अपने काम पर लौट चुके हैं और मैं भी। बता दें कि 14 अप्रैल सुबह 5 बजे करीब 2 बाइक सवार हमलावरों ने सलमान के घर पर फायरिंग कर हंगामा मचा दिया था। इस मामले की सख्ती से जांच करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में भी लिया। फिलहाल पूछताछ जारी है, साथ ही पुलिस आरोपियों के बैंक खातों को भी खंगाल रही, जहां संदिग्ध लेन देन की बात सामने आई थी। बात करें एक्टर आयुष शर्मा की, तो इस वक्त वो अपनी अपकमिंग फिल्म रुसलान के प्रमोशन में काफी बिजी हैं। फिल्म में वो धुआंधार एक्शन करते नजर आएंगे। ये पहला मौका है जब एक्टर ने अपनी फैमिली के प्रोडक्शन से बाहर की फिल्म की। इससे पहले आयुष शर्मा ने सलमान के प्रोडक्शन में बनी फिल्म लव यात्री से बॉलीवुड में डेब्यू किया था और उनकी दूसरी फिल्म अंतिम की सलमान ने ही प्रोड्यूस की थी। ये गाड़ी रोक, गाड़ी रोक, विशाल गाड़ी रोक। रुसलान भाई भाई इधर 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 ही, हाँ ये बड़े इधर आ मेरा भाई, रुसलान भाई भाई इधर देखिए, यहाँ पे भाई, यहाँ पे भाई, नाइस लुक भाई, राहुलिया से रुसलान तक। आयुष भाई इधर भाई, भाई वेट भाई, वेट 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 भाई, थैंक यू भाई, थैंक यू, बजा बस रे, बस रे, बस ना, बस ना, बस ना भाई। कैसे हो आप सब? बस बढ़िया, एकदम बढ़िया। आ जाओ आगे, हां सो पीछे पीछे पीछे, बस बस, और थोड़ा पीछे हो जाओ, टिकट बंद कर। ट्रेलर किस किसने देखा भाई? सबने देखा, हम तो ट्रेलर लॉन्च में थे भाई। अरे ओ भाई, ये लोग ज्यादा क्लोज है हमसे। ताना मारा। और अरे कैसे आ गए विशाल आज? अच्छा बड़े लोग आए तो विशाल। अरे नहीं भाई, विशाल दो ही लोगों में जाते हैं, आयुष में और सलमान भाई में, और सॉरी तीसरे में, भारती में भी आते हैं, चौथे में, नोरा फतेही में भी जाते हैं। आपको कैसी लगी रुसलान की ट्रेलर? अच्छा मुझे लगा नोरा फतेही कैसे, बहुत अच्छा मुर्गी दाम बराबर होती है, ये है वही पंजाबी, और है जी रे जलेबी घूम ही जाती है। तो गाइस आज पॉडकास्ट करने वाले हैं आयुष के साथ, बहुत मजा आने वाला है। बिग बॉस में हम मिले बैक स्टेज, लेकिन इतनी बातें नहीं हुई, आज देखना दिल खोल के बातें करेंगे। कल भी मिलेंगे वापस। क्यों? कल भी शो में आ रहे भाई। डांस दीवाने, तो फिर बस खाना बन लेके आते। चलो जी मिलते हैं पॉडकास्ट के बाद। थैंक यू, थैंक यू सो मच। रुसलान वेट फॉर, हां पेट में जेट पेट को भाई, भाई रुको ना, रुको ना भाई, भाई के सामने कोई बोल सकता है क्या? राहुल लिया भाई एक नंबर। अरे राहुल लिया भाई थोड़ा रुसलान बन गया। हां भाई बोलो, राहुल लिया से रुसलान तक आरआर आरआर से कुछ चल रहा है मेरे कनेक्शन। थैंक यू भाई, थैंक यू।